मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कच्चा टाका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक कपड़ा लेना है। ये देखो, मैंने 7x7 का कपड़ा लिया है, 7 ऐसे लिया है, 7 ऐसे लिया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से मोड़े चारों तरफ से और इस पर प्रेस कर लें, फिर इसको ऐसे मोड़ दें। इस तरह से मोड़ करके चारों तरफ से आप लोग प्रेस कर ले। पहले प्रेस करने के बाद ये देखो मैंने प्रेस कर ली है, इस तरह से मोड़ ले। मोड़ने के बाद अब कच्चा टाका जो है किस तरह से करते हैं। कच्चा टाका जब हम लेते हैं तो दो तरीके से लेते हैं, एक तो बिल्कुल समान कच्चा होता है, एक छोटा बड़ा कच्चा होता है। तो कच्चा टाका करने के लिए जैसे लाइनिंग, इंटरलाइनिंग, इन सब पर जो है कच्चा टाका करके कपड़े को सेट किया जाता है। ये देखिए, इस प्रकार से जितना ऊपर से लोगे उतना ही नीचे से टाका लेना है। ये देखो इस प्रकार से जब हम लोग सिलाई सीखते हैं तो सबसे पहले कच्चा टाका जो है सिखाया जाता है। कच्चा टाका जो है सिलाई कच्चे टाके पर आधारित है, ये बेसिक स्टिच है। तो कच्चा टाका कपड़े को सेट करने के लिए किया जाता है। ये अस्थाई टाका है, इस टाके को काम करने के बाद उधेड़ दिया जाता है। ये देखिए बिल्कुल समान कच्चा लेना, जितना ऊपर से लोगे उतना ही नीचे से ले। इस प्रकार इस टाके को जो है हम पूरा करेंगे। इस प्रकार से ये देखिए, और मैंने दूसरे रंग का धागा लिया है आप लोगों को सिखाने के लिए कि आप जो है अच्छे से ध्यान से मतलब देख सको और सीख पाओ। इस प्रकार एक जैसा टाका लेते हुए देखिए और आप लोग कच्चा कर लें। सिलाई करते वक्त कच्चा टाका जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सारी सिलाई जो है कच्चे टाके पर ही आधारित है, ये मूलभूत टाका है। और इस प्रकार से आप लोग कच्चा कर लें। पहले आप कच्चा करें, कच्चा करने के बाद फिर मैं आपको आगे और वीडियोस दूंगी बना करके, और आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक मैं सिलाई सिखाने की कोशिश करूंगी। और जो है आप घर बैठे ही सीख सकते हैं, अपना घर का स्वयं का कुछ काम कर सकते हैं, और अगर बाहर का काम ना भी करें तो कम से कम अपने लिए अपना काम तो कर ही सकते हो। इस प्रकार ये पूरा जो है देखिए, जब भी हम कोई भी दो कपड़ों को जोड़ते हैं टुकड़ों को तो कच्चे टाके की ज़रूरत होती है। जैसे हम पॉकेट साइड की पॉकेट जोड़ते हैं तो उसमें हम तिरछा कच्चा करते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में तिरछा कच्चा भी बताऊंगी कि किस प्रकार से दो तिरछा कच्चा करते हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये इस प्रकार से, ये देखो कितनी सफाई से मैंने कच्चा कर दिया है। ये देखिए, तो कच्चा टाका जो है ये मैंने आपको बताया कि सिलाई सीखने के लिए सबसे पहले पहला काम जो होता है वो कच्चा टाका होता है। और मेरी वीडियो और मेरा बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।